यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज हम बनाने जा रहे हैं 15 का स्पेशल। हम तीन रंग की बर्फी बनाएंगे। तीन रंग की बर्फी बनाने के लिए मैंने एक बाउल मिल्क पाउडर लिया है, एक गिलास दूध लिया है, शुगर ली है, पिसी हुई इलायची पाउडर चाहिए, दो कलर चाहिए हमें, ग्रीन और ऑरेंज। चार मैंने कटर लिए हैं, बर्फी कटर। एक हम डिजाइन वाली बर्फी बनाएंगे, चार कटर लिए मैंने। और एक चम्मच घी लिया है, आप वनस्पति या देसी कोई भी यूज कर सकते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारी गर्म होने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें जो एक गिलास दूध लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे। दूध हमारा हल्का गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे, जो एक चम्मच घी लिया था। घी आप फ्रेंड देसी भी ले सकते हैं, वनस्पति भी ले सकते हैं, कोई भी घी ले सकते हैं। देखिए दूध हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर से हम मावा बनाएंगे, फिर हम इसकी बर्फी बनाएंगे। देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है हल्का, हमें इसको एक डो के जैसे तैयार करना है। आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बर्फी खाने में बहुत टेस्टी बनती है, एकदम बाजार जैसी मावे वाली बर्फी बनती है। इलायची पाउडर डालेंगे एक चौथाई चम्मच, मिक्स कर देंगे इसको भी अच्छे से। देखिए ये कितना गाढ़ा हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं मावा हमारा बनने वाला है। देखिए हम ये डो की तरह हो चुका है मिल्क पाउडर, एकदम मावा बन गया है इसका। देखिए फ्रेंड्स हमें इसी तरह का मावा चाहिए, अब हम इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अभी ये ठंडा नहीं है, हमें ठंडा करना है इसको। ऐसे फैला के हमें इसको मसल मसल के सॉफ्ट करना है। देखिए मैंने मसल के सॉफ्ट कर लिया है। ये डो हमारा बच गया था, मैंने चमचम बनाई थी मावे की, ये मावा बच गया था, हम इसमें ऑरेंज कलर बना के इसको तैयार करेंगे। देखिए तीन भागों में बांटना है हमें डो। अभी हम इसमें शुगर मिलाएंगे, पहले हम ऑरेंज वाला डो तैयार करेंगे। ये मावा मैंने ले लिया है, देखिए डो ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें शुगर मिलाएंगे। तीन चम्मच मैंने शुगर लिया है, तीन चम्मच शुगर ले मिलाएंगे हम, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। देखिए अब हम इसमें तीन कलर सॉरी ग्रीन कलर मिलाएंगे, यानी तीन भागों में बांट दिया है। छोटे भाग से हम झंडे की डंडी बनाएंगे, देखिए तीनों कलर तैयार है, ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज। अब हम बर्फी बनाना शुरू करेंगे, ग्रीन वाले को बेल लेंगे अच्छे से।
ये तीन बनेगी, इसलिए हमें ज्यादा मोटा नहीं बेलना है इसे, ना तो मोटा बेलना है ना पतला बेलना है, ठीक ठीक बेलना है। ये कटर से हम काटेंगे। मैं तीन डिजाइन की बर्फी बना रही हूँ। इस तरह से देखिए, अब हम गोल गोल बनाई मैंने। अब हम त्रिकोना बनाएंगे तीन कोनों की। ये देखिए काफी सुंदर लग रही है ये बर्फी, देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन मैंने काट ली है, अब व्हाइट काटेंगे, व्हाइट बर्फी बनाएंगे। ये बर्फी बहुत सुंदर लगती है और काफी अच्छी दिखती है, इसे आप कोई भी कलर में बना सकते हैं। 15 अगस्त पे मैं इसको तीन रंग से बना रही हूँ। इसी तरह हम ऑरेंज भी बना लेंगे, जिस तरह हमें ग्रीन व्हाइट बनाई है उसी तरह हम ऑरेंज बर्फी भी इसी तरह बना के लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट भी लगा दी, अब ऑरेंज भी हम इसी तरह बना के लगा देंगे और इसी में से हम झंडा भी बनाएंगे। देखिए मैंने झंडे के तीनों कलर भी रख लिए हैं और ऑरेंज कलर भी बना लिया है। अब हम डंडी बनाएंगे झंडे की, जिसके लिए मैंने चॉकलेट पाउडर लिया है, ब्राउन चॉकलेट पाउडर। इसे हम बेल के चक्कू से काटेंगे पतला। डंडी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मोटी या पतली। मैंने चक्कू से काटा है, आप ये झंडा चक्कू से चौकुर काट के भी बना सकते हैं, काफी अच्छा झंडा बनेगा। अगर आप झंडा बनाना चाहते हैं तो देखिए, मेरी 15 अगस्त स्पेशल बर्फी तैयार है खाने के लिए। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए, अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद। दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ, मेरा नाम है एकता। आज हम बनाने जा रहे हैं 15 अगस्त स्पेशल। हम तीन रंग